हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। कालागढ़ कॉलोनी में जंगली हाथी का आवागमन लगा रहता है। इसी कड़ी में बीती देर शाम सुरेश बाजार से घर वापस जा रहा था, जहां शिव मंदिर के पास झाड़ियों से हाथी निकला और व्यक्ति पर हमला कर दिया। वहीं लोगों ने हल्ला मचाया, जिसके बाद हाथी वहां से भाग गया। हाथी को भगाने के बाद घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे घर पहुंचाया गया, लेकिन घर पहुंचाने के कुछ देर बाद ही व्यक्ति की मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना हुई है कि हाथी द्वारा एक हमारे कालागढ़ में एक परिवार के सदस्य को मार दिया गया। मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहा हूं और मेरा पूरा प्रयास है कि उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद कि पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिले, और मैं चाहूँगा कि पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को वन विभाग में जॉब मिले, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। 25/2/2022 को नई कॉलोनी कालागढ़ के निवासी श्री विजेंद्र सिंह द्वारा सूचना दी गई थाना पर कि उसके चाचा को हाथी के द्वारा घायल करने से मृत्यु हुई है। इस सूचना पर मैं SO उमेश कुमार मैं फोर्स के घटनास्थल पर आया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर PM हेतु कोटद्वार भेजा जा रहा है, बाद जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाए। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।